ओके okay. और किसी को चाहिए रिकॉर्डिंग का? सो व्हाट यू नो अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम? कुछ आप लोगों ने कभी पढ़ा हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में? मेरी आदत है 10th ग्रेड। ओके और सो वी आर स्टार्टिंग विद ह्यूमन रिप्रोडक्टिव। Yeah, human reproductive system. So you know anything about the human reproductive systems? Yes, sir. It's of course when human reproductive system consists of the fusion of the male and female gamete, and the sperm and the ova. Two parents are involved, and it is a sexual form of reproduction. Okay. Yeah. और बाकी और क्या पता है इसके बारे में? सर ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज ओनली सेक्सुअल, इट इज इम्पॉसिबल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके और कोई? और कोई और क्या पता आप लोगों को? सर इट इज कॉम्प्लेक्स एलैबोरेट एंड स्लो प्रोसेस। ओके और ग्लैंड्स प्ले अ मेजर फंक्शन। Sorry, hormones, not glands. It required male and female gamete both. Yeah. Or internal fertilization takes place. Or बोलो बोलो और क्या पता है? The baby is carried in the uterus. Uterus has thick lining so that the baby doesn't fall out. There's placenta, there's cervix, there's fallopian tube, there's the menstrual cycle and everything. बोलो बोलो और क्या पता है? और क्या पता है? कोई न्यू टेक्नोलॉजी आप लोगों ने सुनी हो? सर IVF, IVF, सरोगेसी, सरोगेसी, टेस्टिंग बेबी। और इसके अलावा विद द हेल्प ऑफ स्पर्म बैंक। What is the surrogacy? There is a third lady called as surrogate mother. Okay. Or? This is carried out when one of when the couple the woman can't is infertile. So they appoint someone to carry out the pregnancy. And the baby is implanted in the uterus of the other woman. ठीक है, चलो अब हम लोग चालू करते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि there are the two types of the reproductive system. One is कौन से हैं? दो sexual and asexual. Sexual and asexual. So what is the difference between sexual and asexual reproductive system? बोलो, what is the difference between the sexual and asexual reproduction? Sexual reproduction contain two parents and asexual reproduction only contain one single parent. Sexual reproduction contain genetic recombination and asexual reproduction does not contain genetic recombination. Progeny produced by asexual reproduction are genetic. Clones.
बोलो बोलो और देखो क्या होता है कि हम लोग ना सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ना ज्यादा कुछ पढ़ते ही नहीं, और हम लोग को बस ये लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पार्टनर चाहिए और इसमें एक पार्टनर चाहिए, और ये जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है चार मार्क्स के लिए फिर हम लोग बोलते हैं कि यू शुड राइट 8 पॉइंट एटलीस्ट फॉर द 4 मार्क्स। आप लोग बोलते हो कि अरे सर इतना ही तो पता है और उसके बारे में कुछ पता ही नहीं, और क्या पता है आप लोगों को? The nuance of asexual reproduction is termed as clone, and in sexual reproduction is termed as offsprings. Okay. और बोलते चलो जितना पता है सब बोल दो। What is the variation? You know about the variation? Yes, sir. Because two parents involved, there is a genetic variation. Okay. What is the variation? Will you see variation in asexual reproductive system? No, sir. क्योंकि उसमें क्या था direct उसमें सिर्फ एक ही parent का involvement होता है, इसलिए क्या था वो एक ही parent से क्या था cell division होते क्या बोलते generation का identical identical exact morphologically they are identical and genetically also. सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिकॉम्बिनेशन होता है इसलिए सर उसमें वेरिएशन आते हैं। ओके गुड, और कुछ और किसी को कुछ पता है? बोलो और कुछ पता है आप लोगों को? चलो ठीक है, इतना सफिशिएंट है। अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखो एक चीज है, जब हम लोग कुछ भी देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर आप लोगों से पूछा है एंड यू वांट टू राइट द पॉइंट्स ना, तो डोंट थिंक ये पॉइंट बायोटेक्नोलॉजी का है, जेनेटिक्स का है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, किसी भी सिस्टम का हो। तब से लेकर के बचपन से लेकर के आज तक जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है यू शुड राइट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? सो इट कंसिडर एज अ राइट, ठीक है? So you can write the, about the variation. अगर variation में देखोगे तो in asexual reproductive system you will not see the any variation, ठीक है? And the parents and offspring both are looks like same, ठीक है? But if you see the sexual reproductive system, तो you will see some variation, ठीक है? The ये person मतलब कि the offspring is not exactly identical to parents. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? That is called a variation. ठीक है, तो वेरिएशन क्यों होता है? फॉर अडैप्टेशन, इवोल्यूशन। क्या होता है? दोनों का जीन्स मिला हुआ है तो यू विल सी द वेरिएशंस ना, तो वहां पे आपको क्या दिखाई देगा? वहां पे आपको वेरिएशंस दिखाई देगी, ठीक है? सो चलो हम लोग चालू करते हैं। Sir, I missed that part, the last वाला. Can you repeat again? देखो क्या होता है, जो variation होता है ना, देखो मैं बता जाता हूँ, तो इसलिए जब बोलो, then I will explain. Okay. सो देखो वेरिएशन सेक्सुअल में होता क्या है, लोगों का कुछ टाइमिंग नहीं होता क्या आने का? कितना हो रहा है? 7:15-18 हो रहा है, फिर भी अभी भी आ रहे हो। ओके, इफ यू सी द वेरिएशन, तो हाउ डू यू सी द वेरिएशन? तो कोई भी जब ऑफस्प्रिंग है, यू नो व्हाट इज द ऑफस्प्रिंग? व्हाट इज ऑफस्प्रिंग? द न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है? तो हाँ, ये क्यों बना हुआ है? मेल एंड फीमेल, ठीक है? तो जब मैं आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी पहले जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, जब मैं ये सब पढ़ाऊंगा तो एट दैट टाइम आई विल टीच यू, ठीक है? अब ये जो मेल है, ठीक है, अगर मेल जो है, मेल में से फीमेल का ये नहीं होता था, ठीक है? ये जो मेल है केवल मेल में से अगर हम लोग ऑफस्प्रिंग बनाते थे, ठीक है, और ये जो ऑफस्प्रिंग बनता था, ठीक है, ऑफस्प्रिंग किसके जैसा दिखता था? इट लुक्स एग्जैक्टली सेम एज मेल, ठीक है?
दिस इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और अगर हम लोग फीमेल में से भी करते थे तो फीमेल में भी जो ऑफस्प्रिंग दिखता था, सो इट इज एग्जैक्टली सेम एज फीमेल। क्यों? क्योंकि ये जो मेल से ऑफस्प्रिंग में ये जेनेटिक मटेरियल आया है, ये मिक्स हुआ है कि इट इज प्योर, इट इज प्योर ना, मतलब ये जो मेल है, मेल में से जो जेनेटिक मटेरियल आया रहेगा ऑफस्प्रिंग में, तो वो उसमें कहीं कोई मिक्सिंग हुआ है कि डिक्टो, मतलब जो मेल में है वही डिक्टो सेम ऑफस्प्रिंग में आ गया है, जो मेल में वो डिक्टो सेम डिक्टो सेम आ गया है ना, मतलब उसमें कोई भी मिक्सिंग वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है। तो हेंस दैट ऑफस्प्रिंग लुक्स एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। और अगर आप यही सेम चीज इसमें भी देखोगे, फीमेल में भी देखोगे, तो फीमेल में भी आपको यही सेम चीज दिखाई देगा, ठीक है। तो फीमेल में आपको क्या देखने को मिलेगा, जो फीमेल से बेबी बना हुआ है तो पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल बेबी को कहाँ से मिला हुआ है, फीमेल, फीमेल, तो उसमें कहीं पे भी कोई भी कॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है तो वो कैसा दिखेगा, इट लुक्स एग्जैक्टली सेम एज फीमेल। तो अगर दोनों सेम दिखते हैं तो मतलब कि ये क्या हो सकता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे दोनों अगर सेम नहीं दिखते हैं तो वो क्या हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें क्या होगा, मेल और फीमेल, ठीक है। जस्ट कंसिडर एज मेल से ए आ रहा है, फीमेल से बी आ रहा है, ठीक है। मेल से क्या आ रहा है, ए आ रहा है, फीमेल से बी आ रहा है। तो जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें ए और बी मिलेगा, और ए एंड बी मिलेगा, क्या मिलेगा, ए एंड बी, ए एंड बी मिलेगा, ठीक है। तो ए एंड बी जब दोनों मिलेगा तो इसका जो नया ये बनेगा, कैरेक्टर बनेगा, इट विल नॉट एग्जैक्टली सेम एज, इट विल नॉट एग्जैक्टली सेम एज मेल, और इट विल नॉट एग्जैक्टली सेम एज फीमेल। तो दोनों का क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि बच्चे की नाक गई है मम्मी पे, बच्चे का सर गया पापा पे, बच्चे का हाथ गया दादा पे दादी पे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वही हम लोग बोलते हैं, तो इट्स कॉल्ड एज द वेरिएशन, ठीक है। आप लोगों ने क्लोन के बारे में सुना होगा, सबसे पहला क्लोन कौन सा था, तो जो डॉली शिप थी ना, तो डॉली शिप ज्यादा दिन तक जिंदा क्यों नहीं रही, मर क्यों गई, एनीवन नोस, किसी को पता है डॉली शिप मर क्यों गई, ज्यादा दिन तक जिंदा क्यों नहीं रही, डॉली शिप जो थी वो मर क्यों गई, ज्यादा दिन तक जिंदा क्यों नहीं थी, डॉली शिप थी ना, डॉली शिप, देखो जब डॉली शिप हुई थी तो डॉली शिप के कितने पेरेंट्स थे, सर सिंगल, तो डॉली शिप के सिंगल पेरेंट्स थे, ठीक है, सिंगल पेरेंट्स थे, तो सिंगल पेरेंट्स थे इसलिए क्या थी, क्लोन, क्लोन थी सर, क्लोन होने की वजह से इसके पास सिंगल पेरेंट थे, ठीक है। तो इसके पास जो भी आया, मतलब कि जो भी कैरेक्टर आया, पूरा कैरेक्टर कहाँ से आया होगा, सिंगल पेरेंट से आया होगा, डिजीज के साथ पूरा का पूरा कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से पा गई थी। तो ये जब छोटी थी, जब पैदा हुई थी, तभी इसको अर्थराइटिस वगैरह, मतलब जितने भी डिजीज इसके पेरेंट्स को थे, तो उसमें साथ से अर्थराइटिस था और एक दो डिजीज थे, तो शी गेन ऑल द, मतलब कि दैट डॉली शिप गेन ऑल द डिजीज, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द पेरेंट्स, और उस डिजीज के कारण क्या हो गई, वो मर गई थी, ठीक है। तो इसलिए जो क्लोन होता है, क्लोन बनाना ईजी तो होता है, पर क्लोन बनाने में प्रॉब्लम क्या होती है कि पूरा का पूरा जो डिजीज रहेगा आप पेरेंट्स से गेन कर जाएंगे, और जो भी नया क्लोन बना हुआ है इट विल नॉट लाइव, ये लाइफ, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके, सर्वाइवल ज्यादा टाइम तक नहीं होगी, हाँ, तुम पे सर्वाइवल ज्यादा टाइम नहीं हुआ ना, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने जो अपना प्री एग्जिस्टिंग जो ये डिजीज था, तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का उसने क्या गेन कर लिया है, पूरा डिजीज गेन कर लिया है ना। और दूसरा चीज होता है कि इफ यू गो फॉर द क्लोन, मतलब आप क्लोन बना सकते हो, जैसा आप हो ना वैसा एग्जैक्टली मैं 8 लोगों को और बना सकता हूँ, ठीक है।
पर इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, इसमें प्रॉब्लम यही होता है कि आपकी प्राइवेसी लॉस होती है। ठीक है, चले आगे। क्या होता है, कैसे होता है, मैं आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा एडवाइजेबल। ठीक है, सो नाउ कम टू द रिप्रोडक्शन। व्हाट इज अ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? What is the reproduction? Production of young ones by an organism. Yeah. Or you can say the it is a production of young ones, or you can see production of offspring. Production of offspring or young ones by an organism. Okay. That is called as reproduction. Okay. So humans are sexually reproducing and baby pairs. What is the baby pairs? Giving life to young ones. Okay. So humans are sexually reproducing and baby pairs. ठीक है, और definition किसका हो सकता है, reproductive system का definition क्या हो सकता है? So it is a production of offspring by the what male and female partners which looks likes their own generation. मतलब कि उसके जैसा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कि human being का बच्चा है और dog के जैसा दिख रहा है। So it is not a reproduction. ठीक है, if they have to looks like what same species क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। ह्यूमन का बच्चा है तो ह्यूमन की तरह दिखना चाहिए, डंकी का बच्चा है तो डंकी की तरह दिखना चाहिए, मंकी का बच्चा मंकी की तरह दिखना चाहिए, मतलब जिसका बच्चा है वो उसकी तरह दिखना चाहिए। तो इट लुक्स लाइक वॉट एग्जैक्टली सेम। ओके, सो आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सो कभी कभी बच्चे दोनों पेरेंट्स के लाइक उनके ही रहता है बट दोनों पेरेंट्स की तरह दिखते नहीं है, ऐसा क्यों होता है? देखो कैसा होता है मालूम है क्या, समटाइम्स मतलब कि ये आपको लगता है कि उनके पेरेंट्स हैं लेकिन उनकी तरह नहीं दिखते हैं, वो अपने पेरेंट्स की ही तरह दिखते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि मतलब उनका जो मिक्सिंग ऑफ जेनेटा मतलब मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना, मिक्सिंग के टाइम पे क्या होता है, वो इतना ज़्यादा मिक्स हो जाता है कि दे आर नॉट लुक्स लाइक देयर मेल एंड दे आर नॉट लुक्स लाइक अ फीमेल। ठीक है, लेकिन हमारे पेरेंट्स थे ना बच्चे, समझा क्या? अभी मतलब कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई फेस है, मतलब बच्चे का फेस है। ठीक है, वो बच्चे का फेस है तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि उसका जो फोरहेड है वो मम्मी को भी गैर है या पापा को भी गैर है, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मदर का और फादर का जो जेनेटिक मटेरियल है इन दोनों का इतना अच्छा इंटरमिक्सिंग होता है कि फोरहेड का कैरेक्टर कुछ दूसरा हो जाता है। सेम थिंग ये अभी जैसे आईज है, तो आईज इज नॉट लुक्स लाइक अ मदर, इट लुक नॉट लुक्स लाइक अ फादर। तो उसमें क्या हुआ है कि जो मदर का जेनेटिक मटेरियल है, फादर का जेनेटिक मटेरियल है, दोनों का जेनेटिक मटेरियल ने मिलकर के कुछ तीसरा टाइप का बनाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि इट इज एग्जैक्टली सेम लाइक व्हाट मदर और द फादर। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, परम्यूटेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग होने के बाद उसमें एक डोमिनेंस होता है और क्या होता है, रिसेसिव होता है। तो जो डोमिनेंस होता है तो उसका डोमिनेटिंग हो जाता है, तो बच्चे का जो आईज होगा या जो भी कैरेक्टर जिस भी बॉडी का कैरेक्टर देखोगे, सो इट लुक्स नॉट एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑर्गन, इट लुक्स नियरली एग्जैक्टली सेम टू दैट ऑर्गन। ठीक है, clear hai? Yes sir. Okay, so now come to the what is human reproductive system. In the human reproductive system, it is a what, it is a sexual reproduction. If it is a sexual reproduction, so we require partners. Theek hai, we require partners. So there are two partners, male and female. Theek hai, to is chapter mein hum logo ko kya kya padhna hai, is chapter mein pehle hum log padhenge about the male reproductive system, देन मेल के बारे में जितना भी सब रहेगा सब हम लोग पढ़ेंगे डीप में जा करके, देन वी विल स्टार्ट विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फीमेल के एनाटॉमिक्स पूरी पढ़नी है अपने को, फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, उसके बाद ओवेरियन साइकिल क्या होता है, फिर उसके बाद दोनों का ये फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फिर बेबी कैसे बनता है, 8 महीने 9 महीने बेबी कैसे प्रोड्यूस होता है, फिर उसकी डिलीवरी कैसे होती है, दैट ऑल द थिंग्स वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, चले आगे, चले आगे। यस सर, यस सर। ओके, सो दिस इज अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके,
है. नाउ कम टू द व्हाट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये डायग्राम हम यूजुअली मैं बनाया ही करता था, पर आप लोगों का एग्जाम है तो उतना टाइम नहीं है मेरे पास. सो आज मैं आप लोगों को ये डायग्राम जो है अपना इस पे दिखा देता हूँ. ठीक है, ओके. तो आपको ये डायग्राम बनाना है जो आपके स्क्रीन पे डायग्राम बना हुआ है. ठीक है, ये डायग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो यहाँ पे आप लोग सी द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देयर इज अ समथिंग पॉकेट लाइक. ठीक है, इस साइड भी वन पॉकेट, देयर इज अ वन पाउच. ठीक है, सो विच इज अ बायफरगेटेड बाय अ सेप्टम. तो उसके अंदर एक सेप्टम होता है जिसकी वजह से वो पाउच क्या होता है, दो में बायफरगेट होता है. ठीक है, सो दैट कॉल्ड एज दैट एरिया इज कॉल्ड एज स्क्रोटम. क्या बोलते हैं इसको, दैट पाउच इज कॉल्ड एज स्क्रोटम. स्क्रोटम, स्क्रोटम. ओके, सो दैट इज स्क्रोटम कंटेन व्हाट, दैट इज स्क्रोटम कंटेन टेस्टिस. सो देयर आर हाउ मेनी टेस्टिस, टू. So there are two testes. ठीक है, so देखो क्या है कि ये जो है that is the testes. ठीक है, it is not a kidney. बहुत सारे बच्चे लोगों को ऐसा लगता है कि सर एक किडनी है तो फीमेल में किडनी कहाँ पे होती है. ठीक है, तो ये क्या है, ये testes है, किडनी नहीं है. क्योंकि बहुत सारे बच्चे को ऐसा डाउट रहता है. अब यहाँ पे देखो ये जो testes है that testes is attached with scrotum. The testes is attached with scrotum. अगर टेस्टिस स्क्रोटम को अटैच नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सो इट विल मूव एवरीवेयर ना. मतलब यहाँ का टेस्टिस वहां का टेस्टिस यहाँ पे, ऐसा वैसा, मतलब कुछ भी होना चालू हो जाएगा. अब यहाँ का टेस्टिस जाकर के इसके साथ गोलूम खा के बैठ गया, अब क्या हो जाएगा, इसका टेस्टिस इसके साथ जाके गले मिल गया, तो यहाँ का जो बाकी के पाइप्स हैं, जो ट्यूब्स हैं, तो ट्यूब्स वगैरह के क्या है, ब्लॉक होने के चांसेस हैं कि नहीं है, ब्लॉक होने के चांसेस हैं. ठीक है, तो ये जो अटैच होता है द एरिया वेयर द टेस्टिस इज अटैच विद scrotum, that area is called as the Gubber maculum. क्या बोलते हैं? Gubber maculum. Gubber. Sir, I do not understand. Maculum. So, this is the male reproductive system. इतना समझा? Yes. Yes. So, male reproductive system में it is divided into two parts. ठीक है? So there is a pouch. ठीक है, एक पाउच होता है. ठीक है, और एक पाउच के जो हेड होता है यहाँ पे क्या होता है, there is a, this is the area of penis. ठीक है, okay. अब क्या होता है, ये जो area, ये जो पाउच होता है, ये पाउच is divided into two parts with the septum. ठीक है, यहाँ पे कितने testes, दो testes होते हैं. ठीक है, एक testes ये हो गया, एक testes ये हो गया. ठीक है, so this is a testis, both the testis, this is the right testis and this is the left testis. So that testis is attached with what, that testis is attached with scrotum. मतलब वो testis जो है scrotum पे attached है. क्यों attached है, why it is attached to scrotum, to prevent blockage. No, not to, actually देखो ये attached इसलिए है, ठीक है, for the stability. ठीक है, it attached to the Gubber maculum. ठीक है, through it attached to the scrotum through the Gubber maculum for the stability. Stability मतलब कि अभी कोई running कर रहा है, कोई jogging कर रहा है, कोई fighting कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. ठीक है, so ये क्या है, ये right side में ही रहेगा और ये क्या है, ये left side में ही रहेगा. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप running करना चालू किए, इधर के testes निकल के उधर, उधर के testes उधर, तो एक दूसरे से क्या होगा, एक दूसरे से ये हो गए. ठीक है, मतलब conjoint हो गए, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है. देयर इज अ सम ब्लॉकेज इन अ व्हाट, डक्टस डिफरेंस और वॉश डिफरेंस. क्लियर है, ओके. सो देयर इज अ स्क्रोटम एंड दैट इज स्क्रोटम अटैच विद टेस्टिस थ्रू टेस्टिस. हां, इट अटैच विद टेस्टिस थ्रू द Gubber maculum. Gubber maculum. ठीक है, अंडरस्टूड दैट मच. ओके, अब आ जाओ कहां पे, टेस्टिस पे. कैन यू सी द टेस्टिस, टेस्टिस दिखाई दे रहा है सबको? यस सर. सो देयर आर टू टेस्टिस. गुड, देयर आर टू टेस्टिस. ये दोनों टेस्टिस में कुछ आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ये जो राइट टेस्टिस होती है ना, राइट टेस्टिस इज स्लाइटली अपर और लोअर, इट इज लोअर, इट इज स्लाइटली अपर, इट इज स्लाइटली अपर देन left
टेस्टिस। आप लोगों को प्रीतेश सर ने किडनी पढ़ाया होगा, है ना? कौन सी किडनी ऊपर होती है, कौन सी किडनी नीचे होती है? राइट, लेफ्ट किडनी, किडनी नीचे। हाँ देखो, जिसके बैकग्राउंड में काफी आवाज है प्लीज अपना माइक बंद ही रखें, ठीक है? हाँ, तो राइट, कौन सी किडनी ऊपर होती है, कौन सी किडनी नीचे होती है? लेफ्ट ऊपर होती है, राइट नीचे होती है। हाँ, लेफ्ट ऊपर होती है, राइट नीचे होती है, ठीक है? अब देखो, ये जो राइट है, राइट किडनी क्या है, नीचे है, ठीक है? और लेफ्ट किडनी क्या है, ऊपर। क्लियर है? पर टेस्टिस कौन सा ऊपर है? उल्टा है, राइट। राइट टेस्टिस ऊपर है और लेफ्ट टेस्टिस नीचे है, ठीक है? अभी तक आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है, पर हाँ नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो डिस्टेंस बिटवीन राइट किडनी एंड राइट टेस्टिस इज मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट टेस्टिस एंड लेफ्ट किडनी, इट इज राइट और रॉन्ग? डिस्टेंस तो राइट वाले का कम है, ठीक है? किडनी और लेफ्ट टेस्टिस इज मोर, ठीक है? सो दिस इज किडनी, दिस इज किडनी, दिस इज टेस्टिस, दिस इज टेस्टिस, ठीक है? ये अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं है, पर हाँ आएगा, जल्दी आएगा, ठीक है? क्लियर है? अंडरस्टूड? ओके, अब यहाँ पे आ जाओ आप लोग टेस्टिस के पास, ठीक है? तो सबको आपको दिखाई दे रहा है टेस्टिस के अंदर बहुत सारा ट्यूब दिखाई दे रहा है, ट्यूबिक्स दिखाई दे रहा है टेस्टिस में? ये टेस्टिस है ना, टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? जो टेस्टिस के अंदर, हाँ, तो जो टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट दिख रहा है, तो उसके अंदर देखो आप लोगों को कुछ दिख रहा है क्या? ब्राउन ब्राउन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्राउन ब्राउन ना, हाँ ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्स। क्या बोलते हैं इसको? सेमिनिफेरस ट्यूब्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी, ओके? उसके बाद आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? कैन यू सी ये जो ढेर सारे ट्यूब्स हैं, ये ट्यूब्स बाहर आ गए हैं और बाहर आकर के फिर से राउंड मार मार के टेस्टिस के सर पे बैठा हुआ है, टेस्टिस के टेल पे बैठा हुआ है, दिखाई दे रहा है? दैट एरिया इज कॉल्ड, हाँ, दैट एरिया इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमस, दैट एरिया इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमस, ठीक है? The previous labeling you said about the tube-like structure, that is not written in the diagram, right? नहीं, क्या देखा? स्क्रोटम, स्क्रोटम किससे अटैच है? टेस्टिस से अटैच है, ठीक है? स्क्रोटम टेस्टिस से अटैच है, और फिर वो जो टेस्टिस है, टेस्टिस इज मेड अप ऑफ व्हाट? ट्यूब, दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज ट्यूब बाहर निकल गया है, everyone can see the tube come outside, yes sir। अब ट्यूब बाहर आने के बाद उसने क्या किया है? जो टेस्टिस है, हाँ, जो टेस्टिस है, और टेस्टिस के ऊपर उसने क्या किया? राउंड 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 ढेर सारा ये बनाया, कॉइल्स बनाए, और कॉइल्स बना के किसके ऊपर बैठ गया है? टेस्टिस के ऊपर बैठ गया, तो उसको हम लोग ने क्या बोला? Epididymis. Epididymis. So that is called, good. That is called as the epididymis. ठीक है? Okay. So can you see that epididymis goes upwards to downwards? Can you see? It goes upwards to downwards. Yes, sir. ठीक है? अब नीचे जाने के बाद again it moves upwards. So that is called as ductus deferens, or it is also called as vas deferens. Yeah. क्या बोलते हैं? It is called as sir, ductus deferens. हाँ, ये जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस से जो ट्यूब बाहर निकले हुए है, that is called as the epididymis, that curly structures, that coil-like structures. फिर उसके बाद वही ट्यूब क्या हुआ है? वही ट्यूब अपवर्ड्स की तरफ मूव हुआ है, ठीक है? जो ऊपर की तरफ ट्यूब जा रहा है, स्ट्रेट ट्यूब वास डिफरेंस, या दैट स्ट्रेट ट्यूब व्हिच कनेक्ट्स टेस्टिस विद व्हाट? टेस्टिस विद पेनिस, दैट इज कॉल्ड एज ductus deferens. And that ductus deferens is also called as vas deferens. Yeah, क्या बोलते हैं?
was difference difference ठीक है आज difference ही होता है आज difference ही ठीक है clear है any doubt okay आप लोगों को सर ने पढ़ाया रहेगा सर ने किडनी के बारे में तो यू नो किडनी से एक स्ट्रक्चर्स नीचे आता है दोनों स्ट्रक्चर्स नीचे आता है दोनों किडनी से एंड इट ओपन्स इन द यूरिनरी ब्लैडर इन ऑब्लिक मैनर यूरेटर हाँ यूरेटर सो दिस इज कॉल्ड एज यूरेटर ठीक है अब देखो अब क्या देखना इंपॉर्टेंट है दैट यूरेटर ओपन्स इन यूरेथ्रा ब्लैडर अरे भाई लोग यूरिन ब्लैडर कहाँ गया यूरेथ्रा पे डायरेक्ट गया तो हमेशा हम लोगों को पेशाब की थैली लगा के घूमनी पड़ेगी ठीक है सो इट रिजर्वायर सो दैट यूरिनरी ब्लैडर एक्ट्स एज अ रिजर्वायर क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो एवरी सेकेंड हम लोगों के यूरिन के